आज मैं चिकन भुना मसाला बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, हाफ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके चिकन को रेस्ट करने के लिए 30 मिनट साइड में रख दिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। मैंने लगभग 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। मैंने लगभग 200 ग्राम कटे हुए प्याज इसमें डाला है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का देखिए थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हमें सॉल्ट कम ही ऐड करना है, हमने चिकन में भी डाला है। ये देखिए हमारा प्याज पूरी तरीके से पक चुका है, अच्छा कलर भी आ चुका है प्याज में। अब इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। मैंने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, तीखी वाली मैंने यूज़ किया है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हम मसाले को ऐसे ही पकाएंगे। मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से अब पक ही चुका है, थोड़ा और इसे अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले में। चिकन को ढक कर 10 से 15 मिनट धीमे आंच में हम पकाएंगे। ये देखिए चिकन 10 मिनट हो चुका है। अभी भी थोड़ा मॉइस्चर है चिकन में। इसे फिर से ढक करके लगभग 5 मिनट धीमे आंच में पकाएंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढक करके 2 मिनट फिर पकाएंगे। हमारा चिकन भुना मसाला बनके अब तैयार है। एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। चिकन
भुना मसाला अब सर्व करने के लिए तैयार है।